ये जो तमाम पेशेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये सब लोग थे जो सत्संग में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से हादसा हुआ, 121 लोगों की जान गई। ये लोग खुशकिस्मत रहे कि इनकी जान बच गई, समय पर अस्पताल पहुंच गए, इनको इलाज मिल गया और सुरक्षित है, इलाज की ठीक व्यवस्था हो गई, सब व्यवस्था इनकी ठीक हो गई और काफी हद तक अब लोग यहाँ पर ठीक हैं और व्यवस्था बनाई जा रही है कि इनको बेहतर इलाज मिले। अब से कुछ मिनट पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद थे और खुद यहाँ पर उन्होंने तमाम हालचाल लिया, घायलों से भी मिले, उनसे भी जानने की कोशिश की, सब समझने की कोशिश की है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है अस्पताल की वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो तमाम लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति वहां पर बनी। देखिए तमाम लोग, ये आपके परिजन है, आप लोग भी सत्संग में थे क्या? तो कौन किसके लिए आए हैं आप लोग? अच्छा, देखिए अलग अलग मरीज हैं यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे एक महिला, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ हैं अम्मा, बात करेंगी। कल आप भी थी वहां पे? सब लोग मर गए दब दब के। कैसे हुआ था, क्या हो गया था अचानक? सत्संग तो खत्म हो गया। सत्संग खत्म होने की बात है जी, धक्का मुक्की लग रही, सब लोग गिर पड़े ऐसे दब दब के, सब रे मर गए। मैं हूँ दब गई भी, मैं लिकारी सबन ने भीड़ में थी, वे चोट आ गई है और एक के ऊपर एक गित रहे ऐसे मर गए सब बेचारे, कोई ना बचा, सब मर गए। याद है आपको अस्पताल कैसे पहुंची, मतलब किस तरीके से पहुंची, किसने पहुंचा? हाँ, एक मेरी भाभी लगती वो सत्संग में गई, उन्हें पहुंचा हूँ, उन्हें पहुंचा हॉस्पिटल में। इतनी भीड़ हो गई थी वहाँ पे, लोग कह रहे हैं कि लाखों लोग। हाँ, लाखों लोग। पुलिस पुलिस नहीं थी? कोई ना सहायता कर रहा हूँ। जो इंतजाम होना चाहिए कोई इंतजाम नहीं था सुरक्षा? ना बिल्कुल ना। तो जब भगदड़ हुई तो आपने देखा अचानक शुरू हो गई, कुछ हुआ था? अचानक भगदड़ भाई, एकदम बाबा का सत्संग खत्म हो चुके, अचानक भगदड़ भाई है। भी दब गई थी वहाँ पे? हाँ। कितनी देर तक वहीं पर रही? करीब एक घंटा, करीब दांत दब पकड़ के मैं एक लंगू, फिर पानी पानी मारा मेरे ऊपर, तब मैं होश आया हूँ। फिर कुछ याद है, एम्बुलेंस मिल पाई थी या किसी तरीके से अपनी व्यवस्था से लोग लेके आए? हाँ, एम्बुलेंस आई, पुलिस आ गई थी तब तक? हाँ, आ गई फिर तो बाद में, तो उसके बाद आ गई। अब ठीक है, आप तबीयत कैसी है? अब तो सुधार है, कल पहले तो सुधार है, अब तो ठीक है। चलिए धन्यवाद। देखिए अम्मा भी सत्संग में मौजूद थे, आप भी थे सत्संग में, क्या नाम है आप? हरीशी। हरीशी, क्या हुआ था वहां पर? वहां पे जैसे सत्संग छूटा था तो जैसे हाईवे है दोनों, एक लंका हाईवे खोल रखा था उन्होंने और एक लंका बंद कर रखा था। जब बंद कर रखा है पब्लिक निकली तो जब दूसरा वाला बंद होगा जब ही तो पब्लिक निकलेगी, वो चला जाम लगा है, पब्लिक आई है और उसी जो हाईवे बंद था उसी पे एक हिट्टी हो गई है, उसी पे जो का एक दूसरे के ऊपर चढ़ता चला गया, बिस्ता चला गया, गर्मी पड़ गई, गर्मी से नीचे गिरते चले गए, आदमी कुचलता चला गया, फिर नहीं किसी ने कोई देखा है। लेकिन एक बात बताइए, अचानक इतना बड़ा हादसा वहां पे हो कैसे गया? आप कोई व्यवस्था नहीं थी और इतने लाखों लोग वहाँ, ये पहली बार नहीं हुआ। हर प्रथम मंगल को, पहले महीने के मंगल को उनका सत्संग होता है, हर महीने के एक तारीख, जैसे दो पर जाए, चार पर जाए, छह पर जाए, एक पर जाए, महीना में पहली तारीख मंगल की, तो उसमें भीड़ तो ऐसी जाती रहती है उनकी कि कभी हमने ऐसा नहीं देखा जो पहली बार देखा है। आप अकेले थे, परिवार के लोग थे? हाँ, हम हमारी ये वाइफ ही है, घर वाली है। हाँ, ये बहने तो खींच के बचाई है, जो अंदर दब गई थी मैंने तो खींच के निकाल के जब लाया हूँ इन्हें मुश्किल से। 121 लोगों की जान चली गई और सबकी बता रहे हैं कि वही क्योंकि भगदड़ मच गई, दब बता रहे दब गए हैं, कुचले हैं सब, जितना महिला गेट पे जाम लगा था, ये महिला वाले गेट पे जाम लगा था, महिला वाली गेट पे जो हादसा हुआ है, हाँ वही उसी उन्हीं के गेट पे हुआ है हादसा, जो पुरुष वाले गेट पे नहीं हादसा हुआ है। वहां तो फिर चीख पुकार मच गई होगी। अरे पूरी तरह तो कौन कौन किसकी सुनना है इतनी पब्लिक में, कोई किसी की नहीं सुनना। मदद कैसे मिली? पुलिस तो वहां थी नहीं, पहले प्रशासन थी नहीं, जो थे वो कम थे, वो 200-400 वैसे नहीं दिख रहे इतनी पब्लिक में, कौन दिखेगा वहाँ, इतनी पब्लिक थी जो कहा कि प्रशासन दिखे कहाँ से। एम्बुलेंस भी जब गई है, जब 2-3 घंटा वो बॉडी वहीं पड़ी रही है, जो कुछ भी ससक रहे हैं सकंदारा हॉस्पिटल में लाके पहुंचाई गई है, एक आध ससक रही तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, वो वहाँ खत्म हो गई। 2-4 सांसें थी उनमें,
वो मसकन दारा खत्म हो गई। यहाँ जब आप लोग लेके आए इनको और भी बहुत सारे मरीजों को लेकर लोग आए होंगे तो व्यवस्था थी यहाँ? जब लाए थे यहाँ व्यवस्था थी, ये सारी कीच मट्टी में हो रही थी। हम लाए थे तो हमने इन्हें पूछा में कोई परेशानी की, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर हमें इन्हें सीधे घर ले गए थे। वहाँ नवाए दवा के पंखा के नीचे डाले, कोई परेशानी इन्हें रात को ज्यादा परेशानी गई, फिर हम सुबह लेके इन्हें आए हॉस्पिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।